गुड मॉर्निंग क्लास क्लास हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 5 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स होगा। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में वायर्स और केबल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करनी होती है, जब पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, तो हम लोगों को वायर और केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग ये देखें कि वायर और केबल्स में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे जो वायर्स होगा इनका एप्लीकेशन वायरिंग पर्पज़ के लिए करेंगे, जैसे कि अपने घरों में हम लोग इनका यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। बच्चों इनका क्या रोल होगा, वायर्स बेसिकली लो वोल्टेज को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जैसे 240, 230, 220 या उससे कम। क्लियर हो रही बच्चों ये बात? तो वायर्स का काम क्या होगा, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वोल्टेज एंड करेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद अ लो वैल्यू। तो जो वायर्स होंगे लो वोल्टेज और लो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? अब जब हम केबल्स की बात करते हैं तो केबल्स का भी सेम काम होगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन वायर्स के कंपेरिजन में ये हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट या कंट्रोल करेंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? तो केबल्स जो वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे वो 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट या मोर देन 33 किलो वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? सो ये बेसिक डिफरेंस है वायर और केबल्स में। तो वायर लो वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होंगे, लो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जबकि केबल्स हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट कर रहे होंगे। अब आइए बच्चों जरा सा नजर डालते हैं कि वायर्स कितने तरीके के होंगे, इनका क्या रोल है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो वायर्स बेसिकली चार तरीके के होंगे। जो सबसे पहला हमारा वायर होगा उसको वल्कनाइज्ड इंडिया रबर बोलेंगे, शॉर्टकट में उसको VIR वायर बोलेंगे, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। बच्चों ये वल्कनाइज्ड इंडिया रबर क्या होता है, इसको डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखो इस तरीके से हमारा ये VIR वायर है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बच्चों जब भी कोई वायर हम लोग छील रहे होते हैं तो जो आपको कंडक्टर मिल रहा होता है, वो छीलने के बाद उसको मिल रहा होता है, वो किसी मेटल का बना हुआ होता है, कॉपर का हो सकता है, टिन का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। बच्चों तो ऐसे ही यहाँ पे ये देखो हमारे पास कंडक्टर है, जिसको हम लोग VIR कंडक्टर बोल रहे हैं, VIR कंडक्टर। तो बच्चों कई सारे वायर्स छीलने पे हमें देखने को मिलता है कि कभी आउटपुट में आपको एक ही तार मिल रहा होता है, जब आउटपुट पे आपको छीलने पे एक ही तार मिल रहा होता है तो हम लोग उसको सिंगल कोर कंडक्टर कहते हैं, जब आउटपुट में आपको कई सारे तार मिल रहे होते हैं छीलने पे तो उसको हम लोग मल्टी कोर कंडक्टर कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? तो अपने इस VIR वायर में जो सबसे पहले हम लोग देखें वो VIR कंडक्टर है, जो टिन का होता है। अब इस कंडक्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए इसका इंसुलेशन इसका कर देते हैं रबर से, इसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर देते हैं, या उसी को हम लोग इंसुलेशन भी कहते हैं, तो या उसी को हम लोग लैमिनेट भी कहते हैं। तो हमने टिन कंडक्टर को क्या करा, कैसा कंडक्टर है ये, सिंगल कोर कंडक्टर। उस सिंगल कोर कंडक्टर को हमने क्या करा, ये देखो कवरिंग कर दी। कवरिंग क्यों, सेफ्टी पर्पज से। कवरिंग देखो बच्चों जब हम लोग कर रहे हैं तो उसकी किससे कर रहे हैं, रबर से कर रहे हैं। कैसा रबर होगा ये, ऑर्डिनरी रबर होगा। उसके बाद दोबारा से बच्चों देखो उस ऑर्डिनरी रबर की दोबारा से देखो कवरिंग कर रहे हैं, दोबारा से कोटिंग कर रहे हैं। दोबारा से किससे कोटिंग कर रहे हैं, वो कॉटन से कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट होगा, डायग्राम होगा VIR वायर का। तो बच्चों VIR वायर क्या कहता है, कहता है कि ये सिंगल कोर टिन कंडक्टर होगा, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम से ही बच्चों हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, जो थ्योरी में लिखा हुआ है इसको समझने की बस जरूरत है, ये अपने आप से लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं, तो समझते हैं जरा सा। तो बच्चों ये जो हमारे पास वल्कनाइज इंडिया रबर होगा, ये सिंगल कोर टिन कंडक्टर्स होगा। उसके बाद जिसका इंसुलेशन होगा ऑर्डिनरी रबर से, मींस जिस पे कोटिंग होगी ऑर्डिनरी रबर की, फिर दोबारा से उसकी कोटिंग होगी किससे, कॉटन की। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर ऑलवेज सिंगल कोर वायर्स, इनमें एक ही कंडक्टर होगा, सिंगल कोर वायर्स कंसिस्ट टिन कंडक्टर, टिन का जो होगा कोटेड विथ रबर इंसुलेशन, जिसपे रबर का इंसुलेशन होगा, रबर की कोटिंग होगी जिसपे, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। दोबारा से कह रहा है देयर इज दिस इज फर्दर कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कॉटन, दोबारा से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉटन से उसकी कवरिंग कर देते हैं। उसके बाद आपसे बच्चों देखो कह रहा है कि एज कॉटन हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, चूंकि बच्चों कॉटन जो होता है वो मॉइस्चर और नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इनका कम यूज करते हैं आज के टाइम पे, दैट इज वाई दीज आर रेयरली यूज नाउ आ डेज। क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो ये हमारा वल्कनाइज इंडिया रबर था। ऐसे ही बच्चों अब हम दूसरे वाले अपने वायर पे नजर डालते हैं, जो हमारा दूसरा वायर होगा उसको हम लोग कैप टायर सीथेड बोलेंगे, शॉर्टकट में उसको क्या बोलेंगे, कैप टायर सीथेड, CTS वायर। बच्चों
जैसा हमारे पास ये डायग्राम था वैसा ही सेम ये है, बस उसके कंपेरिजन में छोटे छोटे से डिफरेंसेज हैं, मींस VIR में और CTS में जरा जरा से डिफरेंसेज हैं। बच्चों क्या डिफरेंसेज होंगे उसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बच्चों देखो, जो आपका पहला वाला वायर वल्कनाइज इंडिया रबर था, इस पे देखो सिंगल वायर मींस सिंगल कोर कंडक्टर था, इस पे हमारे पास मल्टीपल कोर कंडक्टर होंगे मींस इस पे आउटपुट में आपको कई सारे कंडक्टर मिल रहे होंगे। जब कई सारे आउटपुट पे कंडक्टर मिलेंगे तो उसको हम लोग मल्टीपल कोर कंडक्टर बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ये सिंगल कोर में भी अवेलेबल हो सकते हैं, डबल कोर में भी अवेलेबल हो सकते हैं, ट्रिपल कोर में भी अवेलेबल हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग मल्टी कोर कंडक्टर भी कहते हैं। क्लियर हो रही बच्चों ये बात? जैसा कि यहाँ पे सिंगल कोर कंडक्टर था ऐसे ही यहाँ पे मल्टी कोर कंडक्टर होंगे। उसके बाद उस सिंगल कोर कंडक्टर का हम लोग इंसुलेशन कर रहे थे रबर से, वैसे ही सेम यहाँ भी करेंगे। उस सिंगल कोर कंडक्टर की प्रोटेक्शन के लिए उस पर इंसुलेशन कर देंगे, उसकी कोटिंग कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। किससे कवर कर देंगे? ऑर्डिनरी रबर से। ऑर्डिनरी रबर से कवर कर दिया, जैसा कि बच्चों हम लोग VIR में भी करते थे, उसकी कवरिंग कर रहे थे रबर से। उसके बाद फिर हम कॉटन से VIR में कर रहे थे। अब यहाँ पे कॉटन की बजाय हम लोग बच्चों यहाँ पे दोबारा से उस ऑर्डिनरी रबर की कोटिंग दोबारा से एडिशनल टफ रबर से कर देंगे। बच्चों एडिशनल टफ रबर का क्या एडवांटेज होगा? कॉटन के कंपेरिजन में एडिशनल टफ रबर जो होगा ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पे कॉटन VIR में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, ऐसा अब ये यहाँ पे CTS में नहीं होगा। मीन्स अब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग एडिशनल टफ रबर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ये कठोर रबर होता है इसलिए ड्यूरेबल होता है, मीन्स इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। किसके कंपेरिजन में? वल्कनाइज इंडिया रबर के कंपेरिजन में CTS की लाइफ ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये इसका डायग्राम है। तो इसका डायग्राम बच्चों देखो क्या कह रहा है कि इस पे आपके पास मल्टी कोर कंडक्टर होंगे जिनका इंसुलेशन होगा, जिनकी कवरिंग होगी ऑर्डिनरी रबर से, फिर उनकी दोबारा से कवरिंग होगी प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। किससे कवरिंग होगी? उनकी एडिशनल टफ रबर से। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर प्रोवाइडेड। ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर प्रोवाइडेड, जैसा कि डायग्राम में लिखा हुआ है। तो बच्चों इन दिस वायर कंडक्टर मल्टीपल कंडक्टर्स आर कवर्ड विद ऑर्डिनरी रबर, अगेन दीज आर फर्दर कोटेड विद अ एडिशनल टफ रबर। जैसा कि एडिशनल टफ रबर हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको टफ रबर सीथेड भी कहते हैं शॉर्टकट में, जिसको हम लोग टफ रबर सीथेड भी कहेंगे, जिसको शॉर्टकट में TRS बोलेंगे। बच्चों एडिशनल टफ रबर होने की वजह से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, साथ ही साथ केमिकल फ्यूम्स का इस पे असर नहीं होता है और इस पे वियर एंड टीयर्स का भी कोई असर नहीं होता है। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? अब ये बच्चों जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में भी अवेलेबल होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके थे ऑलरेडी कि मल्टी कोर भी हो सकते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर और मल्टी कोर भी हो सकते हैं, आउटपुट में आपको कई भी यहाँ पे तार मिल सकते हैं। क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो ये हमारा दूसरा था जिसको हम लोग कैप टायर सीथेड वायर कह रहे थे। आगे आते हैं बच्चों, तो आपके पास थर्ड वायर जो होगा वो पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर्स होंगे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग PVC बोलेंगे। क्लियर होगी बच्चे बात? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर्स बच्चे आजकल ज़्यादा हम लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं। सो दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर्स, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले वायर्स होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो इन पे हम लोग इन कंडक्टर्स में बच्चों हम लोग जो इंसुलेशन करते हैं वो PVC का करते हैं। PVC की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, PVC की क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। PVC बच्चों जैसा कि आपको मालूम है मॉइस्चर प्रूफ होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मॉइस्चर प्रूफ होता है, टफ होता है, टफ होने की वजह से ये ड्यूरेबल हो जाती है, मीन्स इन वायर्स की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, कोरोजन से लड़ने की क्षमता होती है, उस पर कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केमिकल इनर्ट भी होता है इस पर, इनपे केमिकल का भी कोई असर नहीं होता है। तो बच्चों ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड्स बच्चों ये इसके मेन फीचर्स हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर्स बच्चे क्या कह रहे हैं कि वो मॉइस्चर प्रूफ होंगे, टफ होने की वजह से वो ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड कंडक्टर्स थे, ये बेसिकली इंसुलेटेड होंगे PVC से, जिसकी ये प्रॉपर्टीज थी। अब अगला बच्चे जो हमारे पास वायर होगा वो फ्लेक्सिबल वायर होगा। फ्लेक्सिबल वायर बच्चे जैसा कि इसका नाम ही फ्लेक्सिबल है, जैसा कि देखो डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से फ्लेक्सिबल वायर होंगे। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये वायर क्या होंगे, ये वायर मेनली डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि हमें इजिली उनको बेंड करने में आसानी होती है। सो दीज वायर्स आर मोर कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड स्ट्रेंड कंडक्टर्स। जैसे कि बच्चों हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पे हमारे पास दो अलग अलग तरीके से वायर इस तरीके से होते हैं,
जब दो अलग अलग तरीके के वायर होंगे तो हम लोग इसको सेपरेटली इंसुलेटेड वायर बोलेंगे। जब इनका इंसुलेशन करते हैं, इन वाले वायर्स का जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं वो भी ऑर्डिनरी रबर से करते हैं बच्चों, ऑर्डिनरी रबर से करते हैं। अब हम बच्चों जैसा कि इसको कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट टू सेपरेटली इंसुलेटेड स्ट्रैंड, इंसुलेटेड स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब बच्चों हमें आउटपुट में कई सारे तार यहाँ पे मिल रहे होते हैं, इन्हीं को हम लोग स्ट्रैंडेड कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिकली दो अलग अलग वायर्स होते हैं जो स्ट्रैंड कंडक्टर्स जिनमें होते हैं वो वायर होते हैं ये, और इनमें ऑर्डिनरी रबर का इंसुलेशन होता है। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। क्योंकि बच्चों ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, इसीलिए इनकी जो हैंडलिंग होती है वो बहुत इजी होती है। सो ड्यू टू फ्लेक्सिबल इन नेचर द हैंडलिंग ऑफ दीज वायर्स इज वेरी इजी। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। तो ओवरऑल बच्चों अब एक बार दोबारा से कंक्लूड करें कि हमारे पास जो वायर्स होंगे ये कितने तरीके के होंगे। वायर बच्चों बेसिकली चार तरीके के होंगे। कौन कौन से? वल्कनाइज इंडिया रबर होंगे, वी जिसको हम लोग VIR बोलेंगे। इसमें सिंगल कोर कंडक्टर होंगे जिसकी कवरिंग होगी रबर से, दोबारा से उसकी कवरिंग होगी प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कॉटन से। क्योंकि बच्चों कॉटन जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए इनका हम लोग रेयरली यूज करते हैं। दोबारा से बच्चों जब हम आते हैं CTS जिसको हम लोग कैप्टायर सीथेट कहते हैं, इसी को हम लोग टफ रबर सीथेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि VIR के कंपैरिजन में इस पे हम लोग सिंगल कोर, डबल कोर, मल्टीपल कोर कंडक्टर्स हो सकते हैं जिनकी हम लोग कवरिंग कर देते हैं ऑर्डिनरी रबर से, दोबारा से उसकी कवरिंग, उस पे कोटिंग, उसका इंसुलेशन हम लोग एडिशनल टफ रबर से कर देते हैं। जो कि बच्चों एडिशनल टफ रबर का मेन फीचर्स क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और टफ होने की वजह से ये ड्यूरेबल हो जाता है और केमिकल फ्यूम्स का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास तीसरे जो वायर्स थे वो पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर से, इस पे जो इंसुलेशन कंडक्टर्स में होगा वो PVC का होगा। PVC की क्या प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों? PVC मॉइस्चर प्रूफ होगा, टफ होगा, टफ होने की वजह से ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है और केमिकली इनर्ट होते हैं, इसीलिए बच्चों इनको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों फ्लेक्सिबल जो वायर्स हैं, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन में प्रेफर करे जाते हैं। क्लियर होगी बच्चों ये बात। और उसके बाद इस पे टू सेपरेट इंसुलेटेड स्ट्रैंड कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं जिसपे ऑर्डिनरी रबर का इंसुलेशन होता है। बच्चों फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनकी जो हैंडलिंग होती है वो इजी होती है। तो ये बच्चों हमारे पास वायर्स थे। अब आइए जरा सा केबल्स पे नजर डालते हैं। सो केबल्स का क्या रोल होगा बच्चों? केबल्स आर यूज टू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई लेवल वोल्टेज, दैट इज 66.6 kV, 11 kV, 33 kV एंड मोर देन 33 kV। तो बच्चों जो केबल्स होंगे वो लार्ज वोल्टेज को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जैसे कि 6.6 kV वोल्टेज, 11 kV, 33 एंड मोर देन 33 केबल्स। तो बच्चों ये केबल्स का रोल है। केबल्स कितने तरीके के होंगे बच्चों? केबल भी बेसिकली चार तरीके के होंगे। लो टेंशन केबल, जैसा कि बच्चों इनका नाम ही है लो टेंशन केबल, तो ये लो वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो दीज केबल्स आर यूज टू ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज लेवल अप टू 6.6 kV, इसीलिए इनका नाम बच्चों लो टेंशन केबल है। अब जैसे ही वोल्टेज की रेंज 6.6 से बढ़ेगी, मींस जैसे ही वो रेंज 11 किलो वोल्ट होगी, तो वहां पे हम लोग मीडियम टेंशन केबल यूज करेंगे। तो बच्चों जो दूसरे केबल्स होंगे वो मीडियम टेंशन केबल होंगे। सो दीज केबल्स आर यूज अप टू ट्रांसमिट वोल्टेज 11 किलो वोल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेल्टेड केबल। सो बच्चों मीडियम टेंशन केबल का क्या रोल होगा? मीडियम टेंशन केबल 11 किलो वोल्ट को कंट्रोल कर रहे होंगे। दीज केबल्स कैन बी यूज टू ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज लेवल अप टू 11 किलो वोल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेल्टेड केबल्स। क्लियर होगी बच्चों ये बात। उसके बाद जो आपके केबल्स होंगे वो हाई टेंशन केबल्स होंगे, जैसा कि बच्चों इनका नाम ही है हाई टेंशन केबल। तो अब जैसे ही वोल्टेज की रेंज मीडियम टेंशन केबल से, मीन्स 11 किलो वोल्ट से बढ़ेगी जैसे ही वोल्टेज की रेंज, तो हम लोग वहाँ पे हाई टेंशन केबल यूज करेंगे। तो हाई टेंशन केबल कैन बी यूज टू ट्रांसमिट द वोल्टेज लेवल बेसिकली 22 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, या हम लोग यू कह सकते हैं कि हाई टेंशन केबल कैन बी यूज टू ट्रांसमिट द वोल्टेज लेवल अप टू 33 kV। ये केबल जो होंगे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो कौन कौन से होंगे? वो एच टाइप होंगे और SL टाइप होंगे। तो जो हाई टेंशन केबल होंगे बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एच टाइप और SL टाइप। उसके बाद बच्चों जो केबल्स होंगे वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स होंगे। जैसे ही वोल्टेज की रेंज हाई टेंशन केबल से ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो वोल्टेज की रेंज होगी मोर देन 33 किलो वोल्ट होगी, तो उसको जो केबल्स ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे या जो मोर देन 33 किलो वोल्ट को कंट्रोल कर रहे होंगे, उनको हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहेंगे। सो दीज केबल्स आर यूज टू ट्रांसमिट द वोल्टेज लेवल मोर देन 33 किलो वोल्ट, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। बच्चों ये भी दो तरीके के केबल्स में डिवाइड करे जाते हैं, ऑयल फील्ड केबल्स एंड गैस प्रेशर केबल्स। तो बच्चों एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल क्या कर रहे हैं? ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, गैस प्रेशर और
ऑयल फील्ड केबल्स। तो बच्चों एक बार दोबारा से नजर डालते हैं कि आपके पास केबल कितने तरीके के होंगे। तो बच्चों केबल का क्या रोल है, केबल बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने में, दैट इज 6.6 11 किलो वोल्ट 33 एंड मोर देन 33। बच्चों केबल बेसिकली चार तरीके के होंगे, जैसे वायर्स भी चार तरीके के थे, केबल्स भी चार तरीके के होंगे। लो टेंशन जो ट्रांसमिट कर रहे होंगे वोल्टेज लेवल अप टू 6.6 किलो वोल्ट, मीडियम टेंशन जो ट्रांसमिट कर रहे होंगे वोल्टेज लेवल अप टू 11 किलो वोल्ट, ये बेल्टेड केबल भी कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों जो होंगे आपके पास हाई टेंशन केबल होंगे, दीज केबल्स कैन बी यूज टू ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज लेवल बिटवीन 22 to 33। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, एस टाइप एंड एस एल टाइप। उसके बाद बच्चों जो होंगे एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ये केबल हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, मीन्स मोर देन 33 किलो वोल्ट को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, इसीलिए इनका नाम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑयल फील्ड केबल्स एंड गैस प्रेशर केबल। तो ये बच्चों हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में वायर और केबल्स को कवर करा, बाकी का आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।